डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज ही हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ये आपका सातवां लेक्चर। इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट किए। वहाँ पर हमने जो हमारी यूनिट नंबर जो सेकंड जो चल रही थी उसके क्वेश्चंस हमने वहाँ पर किए। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समघात फलन। तो आज इस समघात फलन की हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे संबंधित जो थ्योरम से ही यहाँ पर आयलर की थ्योरम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से समघात फलन को लिखा जाता है एवं कौन सा इनका नोटेशन होता है, ठीक। फिर हम समघात फलनों पर होने वाले जितने भी जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं समघात फलन कि समघात फलन किसको कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रही होगी, समान घात जैसा कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा होगा। नाम में लिखा है ना यहाँ पर बिल्कुल कि समघात फलन। तो कहीं ना कहीं इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन जरूर की गई होगी कि इसकी घातों में कहीं ना कहीं समानता जैसी जो बात है वो यहाँ पर रही होगी यहाँ पर। तो मैं एक आपको एग्जांपल के माध्यम से चीज को समझाता हूँ कि एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन है। दो वेरिएबल्स का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स के मध्य हमें रिलेशन दिया गया है। तो मैंने उसको किस तरीके से ले लिया कि एफ एक्स कोमा वाई लिख कर से रखा है, इसको लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरीके से एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा एक फलन है। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है समघात। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी घातें हैं जो समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखा x की घात 2 है, सही है। y की घात भी 2 है, सही है। फिर x की घात 1 तो y की घात 2, तो दोनों का एडिशन भी कितना है 2। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास पद चाहे कितने भी हों लेकिन उनकी जो घातें हैं वो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा कंसेप्ट किसका है, समघात का। कि यदि हमारे पास कोई ऐसा फलन हो जिसमें जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग हमें सदैव समान मिले, वहां पर हर पद के माध्यम से हमें ये प्राप्त हो कि वहां पर हर पद में जो घातों का योग है वो हमें क्या प्राप्त हो, समान प्राप्त हो। अब उसमें कितने चर हैं कितने नहीं हैं ये चीज तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। वहां पर कि यदि दो चर हैं तो दो चरों के लिए ऐसा होना चाहिए, तीन चरों में है वो फलन हमारा तो तीन चरों में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी हमारे चर होंगे उन सभी की घातों का हम योग करेंगे और योग करके जांचेंगे क्या वो जो योग है वो हर पद में हमें समान मिलता है या नहीं मिलता। और यदि मिलता है तो हमारा जो फलन है वो क्या है, समान घात का फलन है वहां पर, ठीक है। अब हम व्यापक रूप में इस चीज को लेकर चलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देख लियो, और भी चीज आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे एक फंक्शन हमारा इस तरीके से है, मैं इसको लिखूं कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू यहां पर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से। अब इस फलन के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये फलन समघात है क्योंकि ये जो है ये पद नहीं है, ये तो साइन के अंदर कोण है। पद तो हमारा कौन सा है, साइन वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक कोण है, ठीक है। त्रिकोणमितीय जो रेशियोज होते हैं हमारे उनका है, तो इसको हम समघात नहीं कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी है, ये तो साइन के अंतर्गत ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, तो इसको नहीं कह पाएंगे हम। हाँ, इसके यदि बाहर ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर गुणा के रूप में और फिर क्या हो, फिर हो वाई स्क्वायर यहाँ पर, तो ये समघात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर यानी ये पद है इसमें भी दो घाते उपस्थित है, यहाँ इस पद में भी दो घाते उपस्थित, ठीक है। इसके साथ यदि मैं ऐसे और लगा दूं एक्स स्क्वायर हो तब भी ये इसी पद के कारण केवल समघात होगा, इसके कारण नहीं, क्योंकि वहां से हम इस चीज को कॉमन नहीं ले सकते, वहां से उसको जांच नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जांचेंगे कि कौन सा फलन हमारा समघात होगा एवं कौन सा नहीं होगा। अब इनको लिखने का एक व्यापक रूप भी होगा कि हमारे पास जो समघात फलन होंगे उनको हमारे लिखने के कुछ विशेष जो रूप होते हैं वो होते हैं। तो यदि हम हमारे समघात फलन या हमारे फलन को यदि उस रूप में यदि लिख पाते हैं तो अपने आप ही वो क्या कहलाएगा, समघात कहलाएगा। कैसे, मैं यहां लिखता हूं, माना पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, यदि फलन, यदि कोई फलन, यहां लिखता हूं यदि कोई फलन, यदि कोई फलन चरों x, y, z इस प्रकार से इत्यादि में है तथा फलन के प्रत्येक पद में, तथा फलन के प्रत्येक पद में चरों की, प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग, चरों की घातों का योग समान हो,
चरों की घातों का योग समान है तो वह फलन संघात फलन कहलाता है। संघात फलन कहलाता है। तो फलन को क्या कहेंगे? संघात फलन कहेंगे। वही डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जो हमने यहां पर जिस चीज को देखा था, वही चीज वहां पर कि उसके प्रत्येक पद में यदि चरों की घातों का योग यदि समान हमें प्राप्त हो तो वह फलन हमारा कौन सा कहलाता है? संघात फलन हमारा वो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर व्यापक रूप में इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। व्यापक रूप में इन जनरल व्यापक रूप में मैंने लिखा कि माना एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू कि मेरे पास दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के लिए एक फलन है जो कि इस तरीके से कि एक्स की पावर एन ए नॉट ए नॉट एक्स की पावर एन, फिर मैंने लिखा ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई टू इस तरीके से और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा ए एन वाई की पावर एन। इस तरीके का मेरे पास क्या है? एक फलन लिखा गया है यहाँ पर। तो पहले तो क्या मैं इसकी ऐसे जांच करूँ कि ये संघात है या नहीं है और फिर हम इसको देखेंगे हम इसको और अन्य रूपों में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स की पावर कितनी है? एन है यहाँ पर। ठीक है चलो एन घात है यहाँ पर। तो फिर हमने नेक्स्ट में देखा कि एक्स की पावर तो एन माइनस वन रहेगी लेकिन जो बची हुई एक घात उसको किसने पूर्ति कर दी? वाई ने। तो दोनों को जोड़ूंगा तो एन माइनस वन प्लस वन वन से वन कैंसिल तो कितना बचा? एक्स की पावर एन। यानी इसके द्वितीय पद में भी कितनी घाते हैं? एन घाते हैं। तृतीय पद में भी ऐसा ही है और आगे की जो एन वे पद हो गए उसमें भी कितनी घाते हैं? एन। तो वास्तव में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सही है लेकिन हम इसको अन्य रूपों में कैसे लिख सकते हैं? तब मैंने जो हमारा फलन था एफ एक्स वाई इसको कैसे लिखा? मैंने यहाँ पर सभी में से एक्स की पावर एन को कॉमन ले लिया। तो एक्स की पावर एन को कॉमन ले लिया तो कैसे हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए नॉट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि वाई अपॉन एक्स की पावर जीरो कि y अपॉन x की पावर यदि 0 लिखो यानी किसी वेरिएबल की पावर यदि 0 लिखो तो उसका मतलब कतई नहीं होता है कि वो 0, उसका मतलब क्या हो जाता है? वो 1। और 1 को यदि मैं a नॉट के साथ गुणा करूं तो शायद ही कोई इसमें फर्क आए, नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हमने जो हमारा पहला पद था उसमें से x की पावर n कॉमन ले ली तो देखो ये बचा अंदर की टर्म्स में से देखो an x की पावर n माइनस 1 तो पूरा चले गया, फिर a कहां से ले बची हुई क्योंकि हमें तो कितनी भार लेनी है? x की पावर n भार लेनी है। तो बचा हुआ मैंने कहां से ले लिया? y के साथ से ले लिया। अब ले लिया तो कहीं ना कहीं नीचे भी आएगा वो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वो ये आ जाएगा हमारा y की पावर वो y अपॉन x आ जाएगा अंदर की तरफ क्योंकि जो बचा हुआ एक था वो हमने कहाँ से ले लिया? इसके साथ से ले लिया। तो जब यहाँ से ले लिया तो वो नीचे भी आना चाहिए क्योंकि उसकी पूर्ति को कौन करना चाहिए? नीचे वाला हर उसको कैंसिल करने के लिए वहां पर होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए टू वाई अपॉन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2 क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? x सिर्फ n माइनस 2 तो बचा हुआ एक कहां से? 2 कहां से आए? तो 2 हमने इसके साथ मान ली कि माना x स्क्वायर यहाँ है तो x स्क्वायर यहाँ है तो नीचे भी होने चाहिए क्योंकि तभी तो दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया। तो y स्क्वायर तो जो बचा बचा x स्क्वायर नीचे और बच गया था तो उसकी वजह से क्या आ गया? y अपॉन x का होल स्क्वायर। वैसे ही आगे के पद आ जाएंगे और फाइनली जब अंतिम पद को देखोगे तो यहाँ तो बिल्कुल भी x नहीं है तो x होने तो चाहिए क्योंकि कॉमन ले रहे हैं। तो कहां से ले लिया हमने? उसको मान कर ले लिया कि माना ऊपर भी x की पावर n है और नीचे भी x की पावर n है ताकि x की पावर n से x की पावर n काट दूंगा तब भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाली तो कॉमन में चली गई तो नीचे वाली कहां बची? अभी भी शेष है तो वो किसके साथ लगी? y के साथ। तो क्या आ जाएगा? y अपॉन x की पावर n। इस तरीके से कि हमारा जो ये पता मैं उसको x की पावर n कॉमन लेकर इस तरीके से भी लिख सकता हूं या इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं कि f x, y इक्वल टू x की पावर n कैपिटल f y अपॉन x। मैं इसको व्यापक रूप में कैसे लिख सकता हूं? इस तरीके से कि हमने देखा कि हमारे पास जो अंदर इसमें जो बचे हैं यानी ये एक नए फलन कैपिटल f के द्वारा इसको मैं इंडिकेट करूं, x की पावर n को छोड़ दिया अलग रख लिया उसको तो मैंने, लेकिन जो ये वाला पत्ता इसको मैंने क्या कहा कि मैंने इसको कैपिटल f नया फंक्शन का नाम दे दिया कि किस नाम से कहा इसको मैंने? कैपिटल f नाम से। तो कैपिटल f नामक फलन में अंदर देखो y अपॉन x y अपॉन x y अपॉन x y अपॉन हर जगह कौन सी टर्म से? y अपॉन x की टर्म से। तो निश्चित ही क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि कैपिटल f y अपॉन x लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे लिख लिया इस ऊपर वाले रूप को? इस तरीके से। तो हमारा जो प्रत्येक जो फलन होगा हमारा जो प्रत्येक संघात फलन होगा उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो जहां अर्थात चाहे लिख सकते हो जहां जहां n फलन f की जहां n फलन f x कॉमा y की
घात कहलाती है, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, इसकी घात कहलाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, अर्थात f x y n घात का समघात फलन है, अर्थात f x y n घात का समघात फलन है कि यहां पर n के बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा n इस तरीके से हमें प्राप्त होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, उसकी पावर कहलाएगी कि हमारा जो फलन है वो कितनी घात का है, n घात का समघात फलन है, जब हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब जरूरी थोड़ी आप इसमें से x ही बाहर लो, आप तो y भी ले सकते थे, तो बिल्कुल ले सकते थे, तो इसका अन्य रूप क्या हो जाएगा, समीकरण कौन सा लिखूं उसको मैं, एक नंबर, तो मैंने लिखा समीकरण एक को, समीकरण एक को अन्य रूप में, समीकरण एक को अन्य रूप में लिखने पर, अन्य रूप में लिखने पर, तो अन्य रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं कि f x y, अब की बार मैंने इसमें से क्या बाहर ले लिया, y की पावर n बाहर ले लिया, तो y की पावर n ले लूंगा तो अंदर क्या होगा कि जो अंदर की टर्म्स है वो चेंज हो जाएगी, कि पहले x बाहर लिया तो नीचे आया था, और y बाहर ले लिया तो क्या आएगा, की बार x ऊपर आएगा और y कहां आएगा, नीचे, तो दूसरा रूप इसका ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी भी देखो आप y की पावर कितनी है, n ही आपको प्राप्त होगी, चाहे किसी भी तरीके से आप समघात फलन को लिखो, यहां पर उसे इन दोनों रूपों में से हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दो रूपों में, क्योंकि हमने जिस फलन को माना उसमें दो ही वेरिएबल थे, यदि यहाँ पर n वेरिएबल्स होते अलग अलग, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, xn वेरिएबल होते, तो उस स्थिति में भी हमें एक ऐसा ही रूप मिलता, लेकिन उसको लिखने के तरीके वेरिएबल्स की संख्या के आधार पर बहुत सारे हो जाते हैं, वहां पर प्रेजेंट में दो वेरिएबल है तो दो तरीके से लिख सकते हैं, n वेरिएबल होंगे तो n तरीके से लिख सकेंगे, क्यों लिख सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक में प्रत्येक बार हम एक एक वेरिएबल को बाहर ले लेकर हम अलग अलग से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो समघात फलन होते हैं उनमें क्या होता है, प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान होता है, तो इसके बेसिस पे उनको क्या कहते हैं, समघात फलन कहते हैं, उसका व्यापक रूप मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि इन फलनों पर एक हमारी आयलर की थ्योरम होती है वो डिफाइन होती है, तो एक बार आप लिखिए इसको, अब देखिए आगे। तो आयलर एक मैथमेटिशियन था, उसने एक बात बताई यहाँ पर कि जो समघात फलन यदि हमारे पास इस तरीके से हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक रिजल्ट निष्कासित किया वहां पर, एक रिजल्ट निकाला वहां पर, और वो जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। तो नेक्स्ट लिखते हैं समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। ठीक है, तो आयलर ने क्या स्टेटमेंट दिया पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा यदि फलन f x y चरों x y में n घात का समघात फलन है, तो n घात का समघात फलन है तो क्या हो जाएगा कि यदि फलन f चरों x तथा y में n घात का समघात फलन है, तो उसने क्या कहा कि x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू n f होता है,
एन एफ का मतलब वही हमारा फलन को यदि मैं एक्स से गुणा कर दूं तो वही परिणाम मुझे मिलेगा। यदि मैं उस फलन एफ का विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल करके उसको एक्स से गुणा करूं और विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल करके उसको y से गुणा करूं, दोनों को जोड़ूं, तो परिणाम मुझे क्या मिलेगा, मेरे उस फलन का nवा गुणक मुझे मिलेगा। कि उस फलन को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, उस समघात फलन के जो घात है उससे यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो वही परिणाम आपको मिलेगा जो यहां मिलने वाला है। कुछ आई बात समझ में आपको, कि जितने वेरिएबल्स हैं उनके लिए एक संबंध उसने इस तरीके से ज्ञात किया, ठीक है। और यदि हमारे पास इसमें ज्यादा वेरिएबल्स हों तो उनके लिए भी ऐसा ही होगा। यहां पर इसी तरीके से आगे देखो, तथा यदि f x कोमा y कोमा z चरों x y z में, अब की बार चरों की संख्या बढ़ा दी हमने, यहां पर एक चर और बढ़ा दिया, चरों x y z में n घात का समघात फलन है, तो n घात का समघात फलन है तो क्या होगा, तो उसके लिए भी रिजल्ट होगा, क्या होगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के साथ डेल एफ अपॉन डेल वाई एवं जेड के साथ डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन एफ, इसके लिए भी ऐसा ही होगा। यानी जितने वेरिएबल्स हैं उनको बढ़ाते चले जाओ, अब की बार हमारा जेड नया आया तो जेड को हमने जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड कर दिया, इसका परिणाम भी उसी रिजल्ट के बराबर होगा जो हमने वहां पर लिखा था, क्योंकि हम तीन वेरिएबल्स के लिए तो कितना लिख दिया एन एफ लिख दिया, ठीक है। यदि व्यापक रूप में आप इसको लिखो, पुनः व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, यदि f x1 के रूप में कर लेता हूं, x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा इस तरीके से xn चरों x1 x2 x3 इस तरीके से xn का समघात फलन है तो वो भी कौन सा n घात का समघात फलन है तो कैसा हो जाएगा, उसके लिए भी रिजल्ट हमारा उसी तरीके से होगा कि x1 गुणा डेल एफ अपॉन डेल x1 x2 गुणा डेल एफ अपॉन डेल x2 x3 गुणा डेल एफ अपॉन डेल x3 x4 गुणा डेल एफ अपॉन डेल x4 लाइक दिस, इसी तरीके से कि xn गुणा डेल एफ अपॉन डेल xn इक्वल टू एन एफ, तो वहां पर भी परिणाम हमें उसी तरीके से मिलेगा। तो जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उन्हीं के साथ साथ हमारे परिणाम भी इस तरीके से होते रहेंगे वहां पर। ये किसने कहा था, ये मैथमेटिशियन आयलर जो था उसने ये बताया था यहाँ पर कि जो समघात फलन होते हैं उन पे इस तरीके के परिणाम सदैव सत्य होते हैं, उसने ये बात बताई थी वहां पर, ठीक है। अब हम एक रिजल्ट यहाँ पर इसका प्रूव करके देखेंगे क्योंकि बाकी रिजल्ट उसी तरीके से होंगे, तो हम इसका प्रथम रिजल्ट को यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं कि उसने जो बताया था वो पूर्णतः सत्य था या नहीं, यानी हम LHS ज्ञात करके प्रूव करेंगे कि वो बराबर RHS के होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पर आयलर का सत्यापन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, आयलर के प्रमेय का सत्यापन या तो नेक्स्ट लिखते हैं थ्योरम, यदि f चलो x कोमा वाई का n घात का समघात फलन है तो
समघात फलन है तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ होता है। हम इसका सत्यापन करेंगे आप, ठीक है। तो जो चीज आपको दे रखी है सबसे पहले उसको लेकर चलो। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो f है वो चर x y का क्या है, n घात का समघात फलन है। तो इसी चीज को हमने ले लिया कि दिया है f x कॉमा y में, x कॉमा y में n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन है। तब समघात फलन की परिभाषा से, तब समघात फलन की परिभाषा से, समघात फलन की परिभाषा हमने देखी थी कि यदि हमारा कोई फलन n घात का समघात फलन है तो हम उसको दो रूपों में से, यदि दो वेरिएबल्स में है तो दो रूपों में, तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन वेरिएबल्स, जो तीन रूपों में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास f कौन कितने वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में, वो भी n घात का है। तो तब इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो फलन f x कॉमा y, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि या तो इसको लिख सकते हैं x की पावर n कैपिटल f y अपॉन x इस तरीके से, या इसको कैसे लिख सकते हैं कि f x कॉमा y इक्वल टू y की पावर n कैपिटल f y अपॉन x इस तरीके से, कि दोनों रूपों में से हम किसी एक रूप में उसको लिख सकते हैं। तो हमने इस रूप में इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण एक, या तो इसको मान लो या उसको मान लो, क्योंकि एक रूप आपको लेकर चलना होगा। हमें तो क्या करना है कि हमें तो ये इसका LHS प्राप्त करना है और देखना है क्या LHS इसके RHS के बराबर होता है या नहीं होता है। तो लिखा तब समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो हम समीकरण एक का x के सापेक्ष क्या प्राप्त करने वाले हैं, आंशिक अवकलन। तो करो आंशिक अवकलन तो क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल x। इसका हमने जब x के सापेक्ष किया तो यहाँ एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन है, तो किससे करेंगे, u डॉट v से। तो x की पावर n को यदि हम छोड़ देते हो तो कैपिटल f का हमें करना होगा। तो एक बात हमने क्या लगा दिया, उसके डैश। जब अगेन y अपॉन x का किया तो माइनस का y अपॉन कितना आ गया, x स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब की बार क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमें किसका करना पड़ेगा, पहले वाले का। तो n x की पावर n माइनस वन कैपिटल f y अपॉन x इस तरीके से हमें इसको लिख दिया एक बार x के सापेक्ष अवकलन करके। अब चलिए आगे, आगे हमें इसका फिर से करना पड़ेगा, किसके किसके लिए, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, x से ही। तो हमने लिखा x डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू, यहां से देखा मैंने इसको, तो यहां से मैं इसको कैंसिल कर दूं इसकी एक पावर, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहां पर, तो उस x से इसकी एक पावर चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा, x की पावर n माइनस का y अपॉन x इस तरीके से। और यहां पर आ जाएगा f डैश y अपॉन x, यहां पर ही मल्टीप्लाई किया आपने इसको x से, तो इसकी एक पावर जब सबट्रैक्ट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, एन एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स इस तरीके से हो गया एक। तो हमने इसको लिख लिया एक नंबर, या जो भी आपका दो नंबर लिखो, एक नंबर हम पहले प्रयोग में कर चुके हैं, तो दो नंबर। पुनः एक का वाई के सापेक्ष, एक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो वाई के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब की वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहला पद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या लिख दिया, एक्स की पावर एन कांस्टेंट, और जब इसका किया तो कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और जब वाई अपॉन एक्स अगेन किया तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, क्योंकि क्या होगा, हमारे पास जो y था उसका हो गया 1 और x जो का तो रह जाएगा, क्योंकि क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष। और जब मैंने इसको y से मल्टीप्लाई किया इस लाइन को, क्योंकि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, y गुणा, मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, y के साथ चाहिए यहां पर, तो नेक्स्ट लाइन हमने यहां पर इसको लिखा। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, प्योर y से, और y से मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व किया, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू, y से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर जो कमी थी वो आ जाएगी, तो क्या लिखूंगा, x की पावर n y अपॉन x डॉट f डैश
y अपॉन x, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट नंबर 3। समीकरण 2 + 3 को किस लिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें LHS में क्या चाहिए, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू क्या चाहिए, दोनों को जोड़ने पर एक तो था नेगेटिव और एक था पॉजिटिव, तो यहां से देखा हमने कि ये तो था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, और यही रिजल्ट आपको यहां पर पॉजिटिव के रूप में मिल रहा है, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा एन एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स। अब आपने देखा कि यहां से यहां तक के रिजल्ट को आपने अन्य नाम से क्या लिखा था, हमने लिखा था इसको स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या आ जाएगा एन एफ एक्स कॉमा वाई, और यही आपको चाहिए था कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, ये रिजल्ट होता है। तो ये हमें किसने बताया था, ये हमें आयलर ने ये चीज बात बताई थी यहाँ पर, और इसके रिजल्ट और भी है, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के हमने लिखा है, इसके आगे के सेकंड ऑर्डर के जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास होंगे, तो जब हमें कभी जरूरत होगी कि हमें किस वेरिएबल की जरूरत होगी तो आप सीधा क्या लिख पाओगे वहां पर कि एन एफ एक्स कॉमा वाई, यहां पर सीधा हम उसका परिणाम लिख देंगे बिना किसी और वक्त को खराब किए या बिना किसी और रिजल्ट को जांचे यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि समघात फलनों पर ये रिजल्ट सदैव मान्य होता है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, एवं जब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आयलर के जो और बाकी के जो रिजल्ट्स हैं, ये तो इसकी थ्योरम हो गई, अब इस थ्योरम को यूज में लेते हुए उसने कुछ रिजल्ट्स डेरिवेट किए, तो उन रिजल्ट को हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा या जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उन चीजों को क्लियर करेंगे वहां पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।